सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। जेल है एकदम शोले की तरह, इसके लिए तो डायलॉग भी शोले के जैसा लिखूंगा, तुम देखना। यहाँ कैमरा रखूंगा यहाँ पे ऐसा, और एकदम यहाँ से चार्ज करता हुआ पूरा जेल ऐसे एकदम, क्या शॉट बनाऊंगा तुम देखना। अजी यू क्या कर रहे हो आप, सब देख रहे हैं? हाँ तो सबके देखने के लिए तो फिल्म बना रहे हैं। चुप रहो आप, यहाँ कोई फिल्म बनाने ना आयो, ताऊ जी ने जेल से रिहा करवाने आयो। हाँ रानू जी वही कर रहा हूँ मैं, आप सिर्फ देखते जाओ मैं कैसे उस पुलिस वाले ने अपने जाल में फंसाता हूँ। देखो अरे कौन है तू? ओए हाय क्या बात है, मने मारी फिल्म के लिए ऐसा पुलिस वाला मिल जावे ना तो मारी फिल्म की तो लाइफ बन जावे। क्या बात है, परफेक्ट एकदम असली थानेदार लग रहे हो। ओ भाई क्या मतलब है तेरा, असली थानेदार हूँ और यो क्या बकवासबाजी कर रहा हो तू हैं? फिल्म वाड़ी। आप इधर आओ, इधर आओ। थानेदार साहब इधर बैठिए, मैं आपने बताता हूँ, बैठिए। मारी फिल्म में एक कमाल धमाल रोल से जो मैं चाहता हूँ कि आप करें। ओए मैं तेरे मम्मी का छोरा लग रहा हूँ, अपना अरवल अपनी जेब में धर। अरे रुको तो, रोल दे रहा हूँ, कोई सड़क पर रुला थोड़े रहा हूँ। नाम तो हो गई साथ में कमाई भी खूब होगी। देख भाई मैंने आज तक ऊपर की कमाई ना खाई, ठीक ईमानदारी से पुलिस वाड़े की नौकरी कर रहा हूं और जितना मिले है ना उसी में अपने परिवार का पेट पालता हूं। वाह भाई बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन दूसरों के लिए। आपका खुद का क्या, आपके अपने परिवार की भी कभी सोची है? उनका क्या होगा? क्या होगा क्या मतलब? यो मतलब आप अपने आप से पूछो ईमानदार थानेदार जी कि आखिरी बार आपने अपनी घरवाली के लिए उपहार कब लिया था? वो यही कोई 10 साल पहले जब मैं उसे अपने घर पे आके लाया था। हाँ और उसके बाद क्यों नहीं लेके गए? सीधे सीधे कहते क्यों नहीं कि पैसे खत्म हो गए थे? हाँ तो क्यों हो गया, समझ सके वो? हाँ भाई अब समझने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है भाभी जी के पास है। जरा एक बार सोचो क्या आपकी इतनी सी तनख्वाह के कितने टुकड़े करती होंगी भाभी जी? अरे बच्चों की स्कूल की फीस, किराने वाले का बिल, दूध वाले का बिल है, बिजली का बिल, और यहां तक कि बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का बिल। सही कह रहा भाई तू, 2 महीने पहले अपने बाबूजी की आंखों का ऑपरेशन करवाया, पैसे कम पड़ गए, ब्याज पे लेने पड़े। देखा मॉल ले नहीं जा सकते, सिनेमा दिखा नहीं सकते, और नए कपड़े तो दिवाली की दिवाली खरीदते होंगे ना आप तो। अरे क्या फायदा इसी जिंदगी का शे? सही कह रहा भाई तू, बहुत बुरी जिंदगी जी रहा हूं मैं, लानत है ऐसी जिंदगी पे जो अपने परिवार को खुशी न दे सके। देखा आ गया ना मेरी बातों में, आगे देखो। अरे इसीलिए तो, इसीलिए मैं तुमसे मेरी फिल्म में एक्टिंग करवाना चाहता हूँ, तुम्हारी ईमानदारी की ईमानदारी बनी रहेगी और घर की खुशी बनी रहेगी है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मैं तेरा एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। अरे और नाना थानेदार साहब एहसान नहीं है कोई, आपने बदले में हमारे ताऊ जी ने रिहा करना है बस। कबलू जी ताऊ जी रिहा हो गए। वाह थानेदार साहब, मारी तो बात भी खत्म ना हो पाई थी और आपने मरे ताऊ जी ने रिहा भी कर दिया, क्या बात है। इसमें आपका कोई कमाल ना है गबरू जी, वो तो ताऊ जी को वकील ने रिहा करवाया है जिसने बापू लाए हैं। चलो भाई साहब
अच्छा तो भाई जी वो फिल्म का साइनिंग अमाउंट तो देते जाओ है? पक्के पुलिस वाले हो? दो चार दिन रुको, आके देता हूँ, चलो मुझे तो मिल जाए। दे जाना। कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर तो बहुत ही बुरे हो गए, पता ना सामू ने छोड़ेंगे भी कि ना। कोई फोन होना है कि होशियार का, कुछ खबर आई मेरे बच्चे की। मारेंगे मन है, मार तो अपनों से मिली है मन है, उससे बड़ी मार और के हो सके है मां। बाकी देख मैं तरसता हमने भाई साहब, उन्हें माफ कर दो भाई साहब, तो बाप की खातिर कुछ ना कर सका भाई साहब। अरे बावड़ा हो गया केवल, तू भला क्या करता है? और देखो भाई, मैं एकदम सही सलामत अपने घर लौट आया हूँ। जी भाई साहब। अब तो आंसु पोंछ दो, देखो मैं एकदम ठीक ठाक हूँ, तुम सबका साथ हूँ। पर सिर्फ कुछ दिनों तक काम। उसके बाद तने अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। सपने देखना और उनका पूरा होना दो अलग अलग बातें हैं जी। सिर्फ केस खुलवा देने से कुछ नहीं होता, अदालत में गुनाह साबित करना पड़ा है। वो भी हो जाएगा सामू, जब वो गवाह अदालत में पेश होवेगा जिसने अपनी आंखों से तन्ने हरबंस का खून करते देखा था। थारी खिलाफ वो गवाही देने के लिए भी तैयार से, और जिस दिन गवाही हो गई उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तने जेल जाने से ना रोक सके से। मैं कहा कुछ कर रही हूँ, इस घर में मेरी कभी ना सुनी गई, यो तो मारा छोरा राजवीर कर रहा है। मारा गुस्सा तो कब का शांत हो लिया, पर मारा छोरा कुछ भी भूलने की हालत में ना है। यो अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेकर रवेगा, वो तन्ने ना छोड़ेगा सामू।
आधी रात में राजवीर कहाँ चले गए? सिमरन, मैं ताऊ जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तब तक जब तक मारे को यह नहीं पता था कि इन्होंने मारे बापू का खून किया, और अब मारे दिल में ताऊ जी को लेकर जरा सी भी इज्जत नहीं। खबरदार ताऊ जी, ऐसा कोई हुक्म ना सुना कि बाद में खुद को ही पछताना पड़ जाए। धमकी ना देना, एक छोटी सी सलाह समझ लो, जिगर मारी घरवाली के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं इतना गलत करूंगा कि आप सब लोग देखते रह जाओगे। आपका काम है सिर्फ फैसला सुनाना, उसको मानना या ना मानना उसका फैसला मैं कर लूंगा। जब तक मैं यहां हूं, मैं भी राजू ने उसके सारे हक लड़ने में पीछे ना हटने वाला हूं। ऐसा ये इश्क है, अजब सा इश्क है।